ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 265। आज की मुरली का विषय है ग्लानी को गायन समझ। कोई ग्लानी कर रहा हो ना, तो उसको जो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे गुणगान कर रहा है। ग्लानी को गायन समझ कर रहम दिल बनो। अब पढ़ाई कैसी पढ़ाता है, सोचो जरा ना। वो हमारी बेइज्जती कर रहा है, बाबा कहता है समझो मेरी प्रशंसा कर। ये 9 सितंबर 1975 को बाबा ने पढ़ाया। आप कार्यों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले। क्या बोले? अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो? तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है, अथवा कभी चमकता है और कभी चमक कम हो जाती है, अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है। घटनाओं रूपी घटा, घटा माना छाया होती है ना, के बीच छिप जाता है। या कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं, वैसे वो अपनी स्थिति को भी बदली तो नहीं होती, वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है। या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती कला। वाह, ठहरती के बाद भी नहीं रुका बाबा, वाह गिरती कला। ऐसे बदलती तो नहीं है, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहा है। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो? ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो? श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले की निशानी क्या होगी जानते हो? ऐसी तकदीर हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पालो पादर करता होगा। ऐसी तकदीर उसकी होगी जो बाबा को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में पालो पादर। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। चाहे कैसी भी आत्मा उसके सामने आए, चाहे उससे घृणा करे, नफरत करे, गुस्सा करे, जो मर्जी करे, परंतु उसकी बुद्धि में सर्व आत्माओं के प्रति वो दाता होगा, वरदाता, दाता और वरदाता। ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव। जो ठुकरा रही हो वह आत्मा भी उसको कैसी लगे, ये मेरा कल्याण करने वाली आत्मा। कैसे भाई? वो ठुकरा रही है, वो ग्लानी कर रही है,
वो मेरा कल्याण कर रही है। कैसे कैसे कल्याण कर रही है? सब किताब पूरा कर रही है। हिसाब तो पूरा किए बिना मैं घर नहीं जा सकता हूं ना। फिर मेरा पेपर ले रही है, और मेरा पेपर ना ले वे पता कैसे लगे, मैं आगे कैसे बढ़ूं? मैं पास हूंगा तो मैं अगली क्लास में जाऊंगा ना। पेपर ही नहीं दिया, पास भी नहीं हुआ, तो मैं अगली क्लास में कैसे जाऊंगा? मेरा कल्याण तब है जब अगली क्लास में जाऊं, पेपर देकर पास होऊं। पेपर तो बड़े बड़े लेता है, छोटे लेगा ही नहीं। पेपर छोटे तो हो गए रही ना, पेपर तो बड़े हो गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पेपर पास हो गया, उसका क्या दोबारा लेना। तो अगली क्लास में जाने पर तो पेपर बड़ा होगा ना, सिलेबस तो चेंज हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा ना। ग्लानी के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव। वो कर रहा हो ग्लानी, वो कर रहा हो निंदा, क्या मजा आ रहा, कब मजा आएगा, किसको मजा आएगा? जो दिल से क्षमा कर चुका होगा, जो पहले दिल से क्षमा कर चुका होगा, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट कह चुका होगा, वो खुश होगा। बाकियों का तो मूड खराब। जैसे द्वापर में आप सब ने बाप की ग्लानी का की, ग्लानी का बाप की ग्लानी का, लेकिन बाप ने ग्लानी भी गायन समझकर स्वीकार किया। बाप ने आपकी ग्लानी को भी क्या समझा? गायन समझकर स्वीकार किया। और ग्लानी के रिटर्न में भक्तों को क्या दिया? फल। क्या फल दिया? ज्ञान दिया। ना कि घृणा, घृणा नहीं की, और ही घृणा नहीं की, और ही रहम दिल बने, और ही क्या बने? रहम दिल बने। ऐसे पालो फादर, ऐसे पालो फादर, ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते, श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख, जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर, अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रालब्ध प्राप्त करते हैं, अपने से ऊंच प्रालब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगी पन के लक्षण। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दें, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दें, ग्लानी को गायन में परिवर्तन कर दें, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तन कर दें। नोट करके रखना चाहिए तीनों को। अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दे, चार हो गए। और पांचवा है अपकार को उपकार में परिवर्तन। पांच बातें जो करनी है, ये स्लोगन के रूप में लिखना चाहिए। निंदा को स्तुति में, ग्लानी को गायन में,
निंदा को स्तुति में, ग्लानी को गायन में और ठुकराने को सत्कार में और अपमान को स्वाभिमान में। अपमान कब होता है? हाँ जी, जब देह अभिमान होता है। अपमान होना, अपमान की फीलिंग आना देह अभिमान हो, और स्वाभिमान देह अभिमान नहीं हो। अपमान का मतलब देह अभिमान, क्या क्या हो स्वाभिमान में। अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दे, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर, वह माया के विघ्नों को बाप की लगन में मग्न होने का साधन समझ। ये नई बात है ना, जहां से विघ्न आए, माया के विघ्न, किसी के द्वारा कोई विघ्न आए, माया के विघ्न आए, उन विघ्नों को क्या समझे? बाप की लगन में मगन होने का साधन है ये। विघ्न क्या है? साधन है, हर्डल नहीं। आप कहो मैं निरंतर याद करता रहा, हर्डल ही तो समझाएंगे। कितने भी रुकावटें आए, ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते, भक्तों के इष्ट बनते हैं। ऐसी स्थिति को पहुंचे हो या सिर्फ सनेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो, जिनको बाबा से प्यार है उनको सिर्फ सहयोग देने वाले बने हो, होपलेस केस में वा ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इस बात में, जो होपलेस केस हो, ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बना देना कमाल इस बात में है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो या सिर्फ बाप की कमाल देख खुश होते रहते हो? वाह 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 वाह, कमाल है तेरी बाप, कैसी बातें करता है बाबा। हाँ, खुश है बाबा की कमाल के कारण खुश है या अपनी कमाल के कारण खुश है? मतलब बाबा यही कह रहे हैं ना, सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो, सिर्फ बाबा को ही कहते रहोगे वाह बाबा वाह कमाल कर दिया। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है, ना कि कमाल देखकर हर्षित होने वाला। कमाल करने वाला बनना है, ना कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है, समझा? इसको कहा जाता है फॉलो फादर, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो कि हमारी वो स्टेज बन गई है, कि लास्ट स्टेज पर हम जो बनने चाहिए वो बन गए हैं। समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम, समय अंतिम और हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम, रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट क्या होगी पूछते भी हमसे हैं, बताओ बाबा, पूछ भी हमसे रहा है, समझ में नहीं आएगी। समझाने का तरीका, स्वर्ग के सुख की प्रारब्ध मध्यम, पुरुषार्थ वाले सत्युग के मध्यम में प्राप्त करेंगे। ऐसे लक्ष्य तो नहीं है ना, लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाने की कमाल करो। 86 संकल्प और कदम में, 86 पता नहीं क्यों लिख दिया,
कदम में फॉलो फादर करने वाले, हर संकल्प और कदम हर होना चाहिए, मतलब बाबा के हर संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें, नंबर एक, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बच्चे की निशानी ये होगी कि वे हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में फॉलो फादर होगा। नंबर दो, जैसे बाप बेमुख बनी आत्माओं को अपना बनाकर उनका अपने से भी ऊंच प्रलब्ध बनाते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे भी हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हैं। कैसा भी बच्चा है, परंतु हमने उसके प्रति शुभ भावना रख के उसका भी कल्याणकारी बनना है। नंबर तीन, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन कर दे, ऐसी विजयी वत्स ही अष्ट रतन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।